अलग चूड़ा पहन रही है। जो तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अमित एंड किट्टो जायसवाल यूट्यूब चैनल। तो अभी किट्टो रानी का मेकअप आज होने जा रहा है। किट्टो रानी, राधे राधे। तो तैयार आशीष, थोड़ा सा बताइए आप सबको। आज हम किट्टो जी को बहुत ब्यूटीफुल से एक लुक देना चाह रहे हैं। आप तो हमेशा किट्टो रानी को ब्यूटीफुल ही लुक देते हो, तो अब की बार क्या डिफरेंट हम लोग एक्सेप्ट करें आपसे, एक्सपेक्ट करें कि आप कुछ अलग करोगे? अलग कोशिश तो करते हैं अलग की, बाकी क्लाइंट चालू कर दो और बाबू को दो दे देते हैं। बाकी तो व्यूअर्स ही बताएंगे कैसा। जो इनकी स्किन का मॉइस्चराइजर था वो लगाया है। राधे श्याम गाइस, आज हम ये वाली पैलेट यूज़ करेंगे। नहीं, यूज़ कर चुका हूँ, मतलब आपके आँखों पे। फॉरएवर 52 माय फेवरेट। कंसीलर भी लिया है हमने फॉरएवर 52 का। बंद करो। अब हमने इसको प्रॉपर ब्लेंड कर दिया है। बहुत न्यूट सा लुक देंगे, ज़्यादा हैवी नहीं। उसके बाद यहाँ पे मैंने लाइट शेड लिया है ब्राउन। क्रीज पे ब्राउन शेड को अप्लाई करके मैं उसे अच्छे से ब्लेंड कर रहा हूँ। आई मेकअप में ब्लेंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, उससे आई मेकअप आपका निकल के आता है, नहीं तो भड़कीला या फिर झांकी टाइप सा लगेगा, तो वो चीज़ देखनी पड़ेगी। मैंने टोटली क्रीज पे करने के बाद इनकी फिर पूरी आईलिड एरिया को ब्राउन कर दिया है। लाइक इसको ब्राउन स्मोकी कह सकते हो। बहुत प्यारा शेड आया है। प्रॉपर ब्लेंड होना है आपका कलर जो भी है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा हम पीच कंट्रास्ट और डार्क ब्राउन लेकर के आउटर एंड इनर में ब्लेंड कर देंगे। आई मेकअप कर दिया हमने कंप्लीट, और हम जो भी हमारा एक्स्ट्रा प्रोडक्ट गिर गया तो उसको हम क्लीन कर। लाइनर फ्रॉम मैबेलिन, अब मैं यहाँ पे फाउंडेशन यूज कर रहा हूँ विच ब्रांड L'Oreal। जिनको भी सटल लुक करना हो ना तो वो L'Oreal फाउंडेशन यूज करे, क्योंकि इसकी यार आशीष भाई वाकई में तुम्हारे हाथों में जादू है, और तुमने जितनी बार भी किट्टो का मेकअप किया है ना, लोगों ने बहुत 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 तारीफें की हैं तुम्हारी, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ जितना न्यूड हो सके उतना। और मैंने बहुत बार मेकअप का ब्लॉग बनाया है,
और लोग बहुत इंजॉय करते हैं हमारे मेकअप के ब्लॉग का। तो करवा चौथ है, तो करवा चौथ पे मेकअप का ब्लॉग ना आए तो ऐसा हो सकता है। अभी आप अंतर देख सकते हो, इस साइड जिधर लगाओ इस साइड देखिए कितना फेस में अंतर है। तो बिल्कुल स्किन से मैच होता हुआ है फाउंडेशन, लगा ऐसे भागता है ये। भागना जरूरी है आशीष, इससे क्या है ना लेयर कम लगती है और स्किन अच्छी रहती है, मतलब लाइक ज़्यादा हैवी फेस नहीं लगता इस ऐसी फाउंडेशन से। देन इसके बाद मैं यूज़ कर रहा हूँ कंसीलर फ्रॉम फॉरएवर 52, थोड़ा सा अपलिफ्ट करूँगा फेस को। सिर्फ कंसीलर को आपको कहाँ ब्लेंड करना होता है, जहाँ आपने प्रोडक्ट अप्लाई किया ना सिर्फ वहीं ब्लेंड, और ज़्यादा कहीं और ब्लेंड करोगे तो बकवास हो जाएगा मेकअप। ओके गाइस, हमारा बेस का काम हो चुका है कंप्लीट। अब थोड़ा सा वेट करेंगे ताकि ये फाउंडेशन जो है ड्राई हो जाए, फिर उसके बाद हम ब्लेंड करेंगे। वो छोड़ दो उसको, वो ब्लेंड करूँगा। अगर मैं वहाँ करूँगा तो वो तुम्हारे जो हेयर है ना वो भी वाइट। सो गाइस, यहाँ पे मैं जो है पाउडर कंटूरिंग कर रहा हूँ, इससे क्या होगा आपका फेस बहुत ही स्मूथ एंड ब्लेंड और शार्पनेस दिखता है। कंटूरिंग हम दो तरह से करते हैं, एक क्रीमी एक पाउडरी। तो मैं मोस्टली पाउडरी ही करता हूँ, इतनी हैवी कंटूरिंग मैं नहीं करता, वो बाद में विजिबल होती है ना बहुत बेकार लगता है, इस वजह से मैं क्रीमी कंटूरिंग नहीं करता। क्रीमिंग कंटूरिंग करने से ना फेस थोड़ा ब्रॉड रहता है। अभी मैंने लाइट कंटूरिंग करी, अब मैं कर रहा हूँ डार्क वाली, आप इसको ब्राउन ब्राउन शेड में जो होती है स्मेल कर। अब यहाँ मैं यूज़ करूँगा ब्लशर, तो इस ब्लशर में थोड़ा सा शाइन भी है। और ब्लशर मेकअप में तो मेरा फेवरेट पार्ट है। ब्लेंड करके दोबारा दिखाना। तब आशीष भाई क्या कर रहे हो? अब मैं कर रहा हूँ हाईलाइट ले लेना। हाईलाइट कर रहे हो? हाईलाइटर लगा रहा हूँ, हाईलाइटर। अब मैं गाइस फिल कर रहा हूँ इनकी अंडर आई, अंडर आई एक्शन बोला ज़्यादा। अब की बार हम इनको काजल नहीं देंगे, सिर्फ मस्कारा लगा देंगे, मैश्केरा। काजल लगाओ, दो अपना काजल। सो गाइस, अब मैं फिल करूंगा इनकी आईब्रो। आईब्रो मैं उसी पैलेट के अंदर से ही मैं ये शेड ले रहा हूँ, सही नहीं बनाई आईब्रो, आड़ी टेढ़ी से करती है।
लग रहा है मैं बेड पे सो जाऊं और तुम मेरा मेकअप करो। सो के नहीं होता है क्या? तब पैर और फैलाने का मन कर रहा है ना। बन गया खीर। वो क्या कर तैयारी कर रहे हैं क्या? तैयारी कर रहे हैं। नीचे देखो खोल के। अब ये सीधे चलते ना मैं फालतू ना सो गाइस नीचे बोलो। अब लगा रहे हैं यहाँ मस्कारा फ्रॉम शुगर। अच्छा ये भी और आप पैक का मस्कारा भी ले सकते हो, उसमें तो वॉल्यूम इतना तगड़ा है। आप लैशेज ना भी लगाओ तब भी इसकी क्वालिटी अच्छी है। अच्छा तो अच्छा नहीं लग रहा। ऐसे ही अच्छा लगता है, ज्यादा लगा लो तो बहुत कम हो जाता है। इंसान ना कि थोड़ा कम आईलैशेस लगाऊंगा। लाइट वाला लगा देखो सही लगा। कितने का लाइट है आशीष? मैं पूरा पैकेट गाइस यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ मैं लैशेस। और ये लुक कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट जरूर कर देना, ढेर सारे वीडियो को शेयर भी कर देना। पीपी रिंग वाला आधा दिमाग तो खराब कर दिया है। चिपक रहा है। हाँ वो बंद रखो ना भी। ये आई मेकअप मेरे को इतना ऑसम लग रहा है। इसमें थोड़ा सा न्यूड शेड इंक्लूड है लाइक सेलिब्रिटी। मैं किटो को हमेशा सेलिब्रिटी रूप में देखना चाहता हूँ। वाह यार किट्टू रानी तुम तो पहचान में ही नहीं आ रही हो यार। अच्छा तो तुम ऐसे क्या बोलूं, लिपस्टिक लग रही है बस, खूबसूरत लग रही है। लेकिन हमेशा मैं देखता हूँ जब भी ये मेकअप करवाती ना ये कोशिश करती है कि लिपस्टिक खुद अपने से लगाए। ऐसा क्यों किट्टू? मैं ही देता हूँ इनको लगाने के लिए। इसको बोलते हैं एक नंबर नक्काशी, खतरनाक वाला फाड़ मेकअप। तो गाइस ये इतने ढेर सारे मेकअप के साथ किशोर रानी का मेकअप हुआ है, तो हमने बहुत सारे मेकअप कलेक्शन के लिंक दिए हुए हैं। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिंक या पीपी लिखिए, हम आपको ऐसे ही मेकअप वाले प्रोडक्ट आपको सेंड करेंगे। आप लोग बाय कर सकते हो जिस प्रोडक्ट से इस ऐसा बेहतरीन मेकअप होता है। और देख रहे हो हीरोइन नीचे देखने चलो अब स्टार्ट। तो अपना चूड़ा पहन रही है भाई, इसके फोन के ना अच्छा वीडियो आ रहा है। ओहो किट्टो रानी क्या बात है। गाइस दिखाऊं मैं आप लोगों को किट्टो रानी का लुक? दिखाऊं कि दिखाऊं आप लोगों को? दिखाऊं कि ना दिखाऊं? नहीं मत दिखाइए किट्टो, तुम बोलो अपनी। तुम्हारे होठों पे एकदम स्थिर हो रखा है मेरा वीडियो, फटाक से बताओ दिखाऊं कि ना दिखाऊं? ये हमारा रहा करवा चौथ का लुक और फाइनली हम रेडी हो गए हैं। तो कैसे लग रहे हैं आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। ये रहा हमारा आज का ये साड़ी है, और ये साड़ी हमने कहाँ से लिया आप लोग को जरूर हम बताएंगे। अगर अच्छा लगे तो जरूर पहले कमेंट करके बताना, फिर इसका आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे साड़ी हमने कहाँ से लिया है। तो चलिए ये देखिए। तो ये अगर हमारा आज का मेकअप अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। हैप्पी करवा चौथ।